नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों, दो तीन दिन से मेरे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा था और वो जो क्वेश्चन था वो अब कुछ आंसर निकल के आया है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ इसलिए आप लाइक से समर्थन भी दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि इंटरनेट पे आप देखेंगे या यूट्यूब पे कहीं पर भी मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। क्या सच में हमें उनसे मोटिवेशन मिलता है या हमें मोटिवेशन का भी एडिक्शन हो चुका है कि हमने मोटिवेशन वीडियो देखा, फिर दूसरे का देखा, फिर तीसरे का देखा, मगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ? आखिर क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मोटिवेशन पाने के लिए तो हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं मगर फिर भी कोई बदलाव नहीं। कोई हमारी पढ़ाई जो हमारी चल रही थी वो उसी ढर्रे पे चल रही है, सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो फिर किस तरीके का मोटिवेशन? दोस्तों, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, हमें जो मोटिवेशन की आदत है वो है हमें स्वीट यानी कि मीठे मोटिवेशन की आदत। अब मीठे की क्या बात है या स्वीट की क्या बात है? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि अगर मोटिवेशनल की बात करें, इसके अंदर दोस्तों जो वाकई में काम करता है उसमें कठोर शब्द होते हैं, आपको खुश करने के लिए नहीं होते हैं। जो कठोर शब्द होते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आपसे समाज में कोई पर्सन आकर आपकी कमियों को गिना दे तो आपको इतना गुस्सा आएगा ना उसके ऊपर कि मन करे आप वहीं पर उसे पीटने लगें कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की, जबकि आपको ही पता होगा कि हाँ सच बोल रहा है। क्योंकि हम झुंझला जाते हैं और जो अब जो है हमारे सामने तारीफ़ करता रहता है उससे हम खुश रहते हैं, पहली चीज़ तो ये। अब कहीं पर भी आप सेमिनार में जाते हैं मोटिवेशन के, जो भी चीज़ मान लीजिए कोई भी जो इंस्ट्रक्टर है या फिर जो टीचर है जो आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है, वो कभी भी आपको पॉइंट आउट करके कोई बात नहीं करता। वो जो बात चलती है वो ग्रुप में चलती है, ठीक है। अगर कोई कमी भी बतानी होती है तो वो ग्रुप में। तो क्या होता है दोस्तों, हम किसी भी बात को पर्सनली नहीं लेते, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस चीज़ को हम पर्सनली नहीं लेते उससे हमें मोटिवेशन कभी नहीं मिलता, चाहे वो बात कोई भी क्यों ना हो। दशरथ राम माझी याद है ना, वो पहाड़ तो बहुत पहले से था, क्यों किसी ने नहीं सोचा कि उसे तोड़कर रास्ता बनाया जाए? क्योंकि पर्सनल पंगा किसी से हुआ ही नहीं था, और जब उन्होंने देखा कि ये भाई जो पहाड़ है इसकी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई, तो एक तरीके से रिवेंज की भावना उत्पन्न हो गई उनके अंदर कि अब मैं इसे मिटा कर रहूँगा, और वो उस काम में लग गए। अभी दोस्तों, आपने कई बार ये भी देखा होगा, या मेरे ही कई दोस्त हैं दोस्तों, मैं उनके भले के लिए ही उनसे थोड़े से कठोर शब्दों में क्या बोल देता था, कई लोग मेरे दुश्मन बन बैठे हैं कि हमारी तो बेइज्जती करता है ये, और हमें ऐसे लोग पसंद नहीं होते हैं। क्योंकि दोस्तों, मोटिवेट करने के दो तरीके हैं, एक तो वो है जिसमें आप लोगों से बिल्कुल बहुत अच्छे से बोला जाए, और उसमें सही बताऊं वो आपको सुनने में मज़ा भी बहुत आएगा मगर उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला, मगर जो कठोर वर्ड होंगे वो सुनना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। मगर एक बार अगर हो गया ना तो फिर ये समझ लो कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। कई बार कई लोगों के इंसिडेंट होते हैं उनकी लाइफ में, आप कभी भी किसी अच्छे जिसने सफलता हासिल की है वो ज़रूर बताएगा उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि समाज के सामने उसकी बेइज्जती इतनी हो गई कि जो है उसने अब सोच लिया कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। मगर इस तरीके के आप नॉर्मल देखेंगे वीडियो तो देखते जाओ, इनका तो एडिक्शन है दोस्तों, अब देखते जाओ इस तरीके की वीडियो, कुछ नहीं होने वाला है, प्रोडक्टिव काम जो भी है कुछ नहीं होगा, बस हमें एक चस्का सा लग गया है कि मोटिवेशन हम देख लेंगे तो उससे कुछ भला हो जाने वाला है। तो दोस्तों, यही मैं सोच रहा था कि आखिर क्यों हो रहा है कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बावजूद भी हमें मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है अपने अनुसार, यानी कि जो हमें खुश करे, जो हमें दुखी करे हमें ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो हमें हमारी कमियां दिखाए हम कभी ऐसे मोटिवेशन को पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, या जो मैंने अभी थ्योरी जो है ये जो ड्राइव की है इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर आपकी राय अलग है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हो सकता है कि मुझे अपनी थ्योरी बदलने पड़े, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के और भी रियलिस्टिक
मोटिवेशनल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, फर्जी नहीं, रियलिस्टिक होंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।